जैसे ही मैं बाहर आया तो देखा भैया यहाँ पे झाड़ू लगा रहे थे, और सुबह सुबह मैं उठ के उसके बाद से तब थोड़ा सा और आगे गया तो यहाँ पे देखा तो कुछ काम बचा था, तो देखा यहाँ पे बंदर आए थे, और बंदरों को पानी पिलाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, और मैंने यहाँ पे आज इसको बुआई भी करनी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से आप सभी लोग देखिएगा मैं चल रहा हूँ खेत को कोड़ने के लिए। अब देखता हूँ पीहू क्या कह रही है। देखिए मेरे चाचा खेत बो रहे हैं, धनिया बोएंगे उसी में। देखिए हाँ हाँ अब उठे हो? अभी तो उठे हैं। नंतु क्या बोएगा? इसमें बोएगा धनिया हाँ और पालक हाँ साग साग भी पालक का साग और क्या बोएंगे? हाँ मूली दिख रहा है इधर, देखिए मूली, देखिए उधर मूली है, उधर देखिए उधर घेवड़ा है, देखिए मेरे चाचा इधर ही खोड़ रहा है। इतना खोड़ा गया, चलिए बाय। कुदाल बिगड़ गया भाई, हम कोड़ रहे थे तो अब बन रहा है, ये बन जाएगा उसके बाद से तब ये देखा जाए क्या। एक उठ गई क्या तुम? ब्रश लेके आ गई हाँ? ये एक तुम्हारे बर्थडे में गए क्या? कहाँ था ये छुपा? कौन दिया बेटा? चाचा दिया है, मुझे भी खेलना था इससे ना। दो ठो था। ये रही दीदी, ये रही दीदी। क्या कह रही है तुम? क्या कर रही है तुम यहाँ पर? तुम उस पर क्यों चल रही हो? मैं उसको कोड़ा हूँ ना, इधर चलो इधर बाहर, उसपे नहीं चलते है ना, उसमें बोया जाएगा। ये देखिए हम लोगों ने बोया यहाँ पे, क्या बोया है? मूली, और ये जमने वाला है, अब जम भी गया है, और ये 20 से 25 दिन के बाद ये खाने लायक हो जाएगा। और ये देखिए नेनुआ यहाँ पे बोया गया है, पीहू नेनुआ खा, नेनुआ का फूल तोड़ा जा रहा है और ये सब्जी में पड़ता है। नहीं को लेके जाओ, दे दो मम्मी को, अभी और रुक जाओ चाचा और तोड़ रहे और ले लो ना, चींटी है उसमें ना, चींटी उसको काट लेंगे। जाओ इधर देखोगी, फोटो खींच ले तुम्हारा। आज हम लोग फेंसा वाले दूध को यहाँ पे जलाए थे, और उसके बाद से इसको खाएंगे। इसको बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो इसको भी आप अगर जो कहीं दूध फेंसा वाला मिले, जब गाय शुरू में लगती है तो उसको फेंसा वाला दूध बोलते हैं, और उसको मंगाइए और उसको खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है और आपके पेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो हम पीहू को अब चल रहे हैं, इसको बन गया है फाइनली, तब ये चल रहे हैं हम लोग खाएँगे और बताएँगे आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में आपको। उसके बाद से आपको भी इसको ट्राई करना ज़रूर चाहिए। बहुत यम्मी है, इसको मैं भी खाऊंगा, देखो मेरे में भी इतना है। बहुत अच्छा लगेगा यम्मी। सुबह के टाइम जैसे ही बाहर आया तो बगल वाले घर में, मतलब उनके यहाँ खेत कटाया हुआ था, तो पूरा का पूरा टाली रात में भरी हुई थी, तो इसको अब यहाँ पे छत पे डाल दिया गया है जो कि सूखने के लिए। और ये आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि इस टाली में कितना क्विंटल धान हुआ होगा। मेरे हिसाब से इसमें 15 से 14 क्विंटल तक धान होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है इसमें से 7 क्विंटल लगभग आपको चावल मिल जाएगा देखने के लिए। और यही वो बंदा है जिसने पूरा का पूरा टाली का धान उठा करके छत पे रखा था, ठीक है। और यहाँ पे 2 लोग और नीचे लगे हुए थे, तो ये पूरा मतलब इनके यहाँ आज धान है। अब बात करते हैं और यहाँ पे पता करते हैं कि कौन सा ये धान था। तो मैंने इनसे बात किया तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे ये सोनम धान है जो कि बोया गया था, और ये खाने में बहुत ही अच्छा होता है और ये बहुत ही बेहतरीन है। और पीछे आप लोगों ने
देख रहे होगे कबूतर ये पूरे के पूरे क्या कर रहे हैं, तो उसमें से जितने भी मतलब कीड़े होते हैं छोटे छोटे उसको बिनकर खा रहे हैं। और उनका यही कहना है कि चावल बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 7 क्विंटल ही निकलने वाला है, तो इसमें चावल आपको 7 क्विंटल देखने को मिलेगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पूरा ब्लॉग गांव का अनफिल्टर्ड बाई कौरव राय के चैनल पे ये आता है, तो इसको ज़रूर देखें। डेली बेस पे आपको ये ब्लॉग मिल जाता है। अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे इस सकरी देख रहे होंगे, ये सीढ़ी एकदम बहुत ही पतली बनी है जो कि ये घर का बंगला है, और यहाँ से हम लोग धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। और जैसे ही नीचे उतर के बाहर जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखें कि पूरा का पूरा टाली यहाँ पे खाली हो चुका है, और इस तरह से हम लोग धीरे से